दिया मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने फिर से हर पेज पर मिसेस तोमर साइन कर दिया। विश्वास, तुम्हें विश्वास है ना मुझ पर? मैं ये सब जानबूझकर नहीं करती, लोगों की जबान फिसल जाते, मेरी उंगलियां फिसल जाती है, और हो भी क्यों ना हो, 20 साल से हर करवा चौथ पर छन्नी से मैं उन्हीं का चेहरा देखती थी, फिर भी बचा नहीं पाई उन्हें। सॉरी सॉरी सॉरी, ये मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन अब से मैं सिर्फ आपको याद करूंगी, क्योंकि आप मेरे पति हैं। विश्वास दहिया, हर करवा चौथ पर आप ही का चेहरा देखूंगी छन्नी से। राकेश को भूल गई मैं। अब देखो ना, भाई साहब और करुणा जी ने हम दोनों की शादी करा दी, फिर ना मैं अकेली पड़ जाती, मुझे संभालने वाला भी कोई नहीं होता। लेकिन भाई साहब और चीजी ने हम दोनों को मिलाया, इतना अच्छा ससुराल मिला है मुझे। सॉरी सॉरी सॉरी, ससुराल नहीं, मायका। करुणा जी कहती है ना कि अब ये मेरा ससुराल नहीं, मायका है, मायका। अब देखो ना, एक पति मर गया तो दूसरा पति मिल गया, ससुराल से झटपट मायका। कितनी भाग्यशाली हूं मैं। सॉरी सॉरी सॉरी, राकेश ये सब सुन रहे हैं क्या? देखो राकेश, अगर तुम ये सब सुन रहे हो ना, तो एक कान से सुन के दूसरे कान से बाहर निकाल देना। हाँ, अच्छा सुनो, वैसे भी अभी तुम आत्मा बन चुके हो, तो क्या तुम निशांत के सपने में जाकर उसे कह सकते हो कि अब वो विश्वास को अपना ले? और खामखा भाई साहब और जीजी से क्यों नाराज है? अरे एक फंक्शन में नहीं बुलाया तो क्या हुआ? इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हमें जायदाद से बेदखल कर रहे हैं वो लोग। एक मिनट राकेश, तुम्हें क्या लगता है, निशांत का शक सही है क्या? सच में वो हमें जायदाद से बेदखल करना चाहते हैं? हाँ देखो राकेश, अगर तुम्हें सच में ऐसा लगता है ना, तो इस पर्दे को हिलाओ 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 हिलाओ। समझ गई, चीजें ये अच्छी तरह जानती है कि वेदांत का रिश्ता मेरे वजह से तय हुआ है। वेदांत के होने वाले ससुर जी ने इस रिश्ते को हां इसलिए कहा क्योंकि मैंने कराया है, और अगर जीजी ये समझती है कि मुझे और निशांत को तोमर खानदान के जायदाद से बेदखल कर देगी, तो वह गलत है। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी। 20 साल दिए हैं मैंने इस खानदान को, 20 साल